हेलो एवरीवन, मेरे नाम प्रवीण यादव। वैदिक मैथ की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी डबल डिजिट, थ्री डिजिट या फिर फोर डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो उसका आंसर हम कुछ ही सेकंडों में जल्दी से जल्दी इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, वीडियो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे डबल डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे टू डिजिट नंबर। इधर हम टू डिजिट नंबर लेते हैं 43 इंटू 11, डबल डिजिट लिया हमने और 11 से मल्टीप्लाई। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको डायरेक्ट आंसर सिंगल लाइन में आंसर कैसे लेकर आएंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 को एडिटिव लिख दीजिए 3, दोनों को आपस में ऐड कीजिए 3 + 4 = 7, 4 को भी एडिटिव लिख दीजिए नीचे लेकर, अपना आंसर जो आया 473। नेक्स्ट देखिए सेकंड सम, फिर से कोई दो नंबर लेंगे, डबल डिजिट लेंगे। इधर हम डबल डिजिट लेते हैं 62 × 11, डबल डिजिट को हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट सम में देखा, 2 को हम इधर लिखेंगे एडिटिव 2 को 6 में ऐड करेंगे, 6 में ऐड करने का हमारे पास आया 8 और लास्ट 6 को हम लोग 6 लिख देंगे इधर से। ये तो हमारे पास वो नंबर थे जिनको हमें ऐड किया, ऐड करने के हमारे पास कैरी नहीं आई। इधर दोनों को ऐड किया तो 7 हमारे पास आया, इधर दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 8 आया। यदि ऐसे कुछ ऐड करने पे कैरी आती है तो हम उस केस में क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसमें ऐड करने पे कैरी आती है, 79 × 11, ये दो डिजिट्स हम इसमें फिर सेम मेथड हमारा 9 को हम 9 रखेंगे इधर, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 16 आ रहा है, 1 कैरी, 7 + 1 = 8। ऐसे ही कोई क्वेश्चन देखिए, इसे हम लेंगे यहाँ पे 59 × 11। फर्स्ट 9 है, 9 को 9 लिखिए, 9 में प्लस 5 कीजिए 14, 1 कैरी और 6। नेक्स्ट एक और सम, 73 × 11, 3 को हम 3 लिखेंगे इधर, फर्स्ट नंबर को एडिटिव लिखना होता है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे 10, 1 कैरी, 7 + 1 = 8। ये डबल डिजिट नंबर थे जिनको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब लेते हैं थ्री डिजिट नंबर, आइए तो देखते हैं थ्री डिजिट नंबर, डिजिट नंबर दिए जाए कोई भी थ्री नंबर दिए जाए हमें तो हम उसे 11 से कैसे सोल्व करेंगे, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर लेते हैं हम इधर 235 × 11, मेथड जैसे कि आपने डबल डिजिट में देखा सेम मेथड है। 5 फर्स्ट नंबर को एडिटिव लिखते हैं 5 + 3, नेक्स्ट में इसको प्लस कर दीजिए 8, 3 + 2 = 5 और लास्ट जो अपने पास 2 है 2 को एडिटिव लिख दीजिए तो हमारा आंसर आया 2585। नेक्स्ट देखिए एक और नंबर लेते हैं इधर 564 × 11, 4 को 4 लिखेंगे, 4 + 6 = 10, 1 कैरी, 6 + 5 = 11, 1 कैरी 12, फिर से 1 कैरी, 5 + 1 = 6, हमारा आंसर आया 204। नेक्स्ट देखते हैं, × 11, 4 को 4 लिखेंगे इधर एडिटिव, 4 + 7 = 11, 1 कैरी,
सेवन प्लस थ्री टेन और वन कैरी, फिर से इलेवन, थ्री प्लस वन फोर, हमारा आंसर आया 4114। ये हमारा भी थ्री डिजिट नंबर है, जिसको हम थ्री डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा हमें। अभी ऐसे लेते हैं कि हमारे पास फोर डिजिट आ गए और उसको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो हम फोर डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आइए वो एक नंबर फोर डिजिट लेते हैं, इधर थ्री टू फाइव फोर, 3254 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 लिखेंगे इधर, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 3 5 और लास्ट 3 को 3 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और सम समझते हैं फोर डिजिट में, ये देखते हैं 6754 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर है 4, 4 को 4 लिखा, दोनों को आपस में ऐड किया 9, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी, 6 को हम 6 लिखते हैं पर कैरी है तो कैरी में ऐड करके लिखेंगे 6 प्लस 1 7। दोस्तों ये हमारा आंसर रहेगा, जिसमें हमने अभी सीखा डबल डिजिट यदि आ जाए, 3 डिजिट आए या फिर 4 डिजिट आए, तो हम 11 को डायरेक्ट कैसे उसका सिंगल लाइन में आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे उसकी प्रैक्टिस करके इसको और भी जल्दी या इसको विदाउट पेपर पेंसिल पे आप इसको कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।